नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बुरा। दोस्तों आज हम आपको भद्रासना, जिसे ग्रेसियास पोज भी कहा जाता है, को करने का तरीका और इससे होने वाले बेनिफिट के बारे में बताएंगे। दोस्तों भद्रासना को अनेक विधियों से किया जाता है। इस अभ्यास के नियमित प्रैक्टिस करने से एकाग्रता बढ़ती है। यह अभ्यास हमारे पैर, हमारे घुटने, हमारे जंघा पिंडली को मजबूती प्रदान करता है। इस अभ्यास को करने से हमारे डाइजेशन से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं। यह अभ्यास शारीरिक थकान और मानसिक थकान को दूर करने के साथ साथ प्रजनन अंगों को भी मजबूती प्रदान करता है। आइए देखते हैं कि भद्रासना को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों भद्रासना की फर्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने ऐसे ही स्टार पोज की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और फिर इसके बाद आपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने हील को ऐसे अपने पेल्विक एरिया के समीप ऐसे लगा लेते हैं और अपने दोनों हाथों को पंजों के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने घुटनों को ऐसे अप डाउन करते हैं। दोस्तों इस भद्रासना कि फर्स्ट वेरिएशन को बटरफ्लाई पोज भी कहा जाता है। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक प्रैक्टिस कीजिए। यह अभ्यास हमारे जॉइंट्स को खोलने, शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। इसे करने से हमारे कमर के निचले हिस्से के समस्त स्नायु तंत्र मजबूत बनते हैं। फिर आप इसे ऐसे तीव्रता से प्रैक्टिस कीजिए। फिर इसके बाद आपने ऐसे ही बैठ जाते हैं, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी कोहनियों को ऐसे जमीन पर लगा लेते हैं और अपने माथे को या अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श करा लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं होल्ड करके रखें, या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के पास भी रख सकते हैं और फिर सीधे ऐसे ही इस अभ्यास को आप 2 से 3 बार मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों इसके बाद हम भद्रासना की नेक्स्ट वेरिएशन को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले ऐसे ही स्टार पोज की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों घुटनों को ऐसे मोड़ लेते हैं। ऐसी भद्रासना की दोस्तों इसके बाद हम भद्रासना की नेक्स्ट वेरिएशन को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले ऐसे ही आपने बैठ जाते हैं और अपने दोनों घुटनों को ऐसे मोड़ लेते हैं। ऐसे भद्रासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं, कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं। दोस्तों जब आप भद्रासना में एक आरामदायक स्थिति में बैठ लेते हो तभी आप इस भद्र आसन को प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके घुटनों में दर्द की समस्या है तो आप इस भद्र आसन को प्रैक्टिस ना करें। ऐसे ही आपने बैठ जाते हैं और फिर अपने दोनों घुटनों को ऐसे जितना आप फैला सकते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार आपने फैला लेना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के ऊपर रख लेते हैं। आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हो और आपने अपने दोनों हील के बीच में इतना स्पेस रख लेना है कि आपके हिप्स जमीन को स्पर्श करें। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के ऊपर रख लेते हैं और अपनी दोनों आंखों को सहजता से बंद करते हुए अपना समस्त ध्यान अपने श्वासों के आवागमन पर आपने रखना है। दोस्तों यह ध्यान का एक मुख्य आसन माना जाता है। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक अपनी दिनचर्या में प्रैक्टिस शामिल करें और फिर इसके बाद ऐसे आपने अपने दोनों घुटनों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। इसके बाद इस अभ्यास को एक बार हम आपको पीछे से करके दिखाएंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही भद्रासना की पोजिशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और फिर आपने अपने घुटनों के बीच में इतना स्पेस रख लेना है जितना आप स्पेस रख सकते हैं और आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हो और आपने अपने दोनों हील के बीच में इतना स्पेस रख लेना है कि आपके हिप्स जमीन को स्पर्श एक आरामदायक अवधि के लिए जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं होल्ड करके रखें।
और फिर सीधे। इसके बाद आपने अपने दो पैरों को ऐसे सामने की तरफ ऐसे फैला लेते हैं, ऐसे दंडासना की पोजीशन पर बैठ जाते हैं और फिर अपने घुटनों को ऐसे 8 से 10 बार अप डाउन कीजिए।